Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today, in our English class of grade 5th, we are going to start with Unit 8, chapter number 2, and the name of the chapter is The Little Bully. So, let's read and understand this chapter. Do you know? of any child who teases others or pushes them around what would you call such a child read this story and see how Hari, a little boy troubles other children क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरों को परेशान करता है या हर तरफ पुश करता है आप ऐसे बच्चे को क्या बुलाएंगे इस स्टोरी को रीड करें और देखें कैसे एक लड़का हरी दूसरे बच्चों को परेशान करता है वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो दे स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी ऑलदो ही वॉज एंड वेरी बिग ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव्ड टू टीज

हरि नाम का एक छोटा सा लड़का था यद्यपि वह बहुत बड़ा नहीं था, था किंतु बलवान और और अपने साथ स्कूल जाने वाले गर्ल्स को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था उसे सबसे अच्छा पिंच करना लगता था आधे सेकंड में ही चोट का निशान उभर आता था दूसरी शरारत जो वह कहता था वह था लोगों को पिंच चुभाना सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रेन हेटेड हिम दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर दे डिडेंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स गेस कर सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे उससे नफरत करते थे वे उसे वापस पिंच करने की कोशिश करते थे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि वह हमेशा उससे भी ज्यादा जोर से पिंच कर सकता था उन्हें अपने टीचर से इसके बारे में कहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यह कहानी सुनाने जैसा था

एंड ऑल द चिल्ड्रेन वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट दे क्राउडेड इन टू दाउन बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंस्ड उस दिन धूप अच्छी थी और सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे वे एक साथ झुंड में ट्रेन में चढ़े और बैठ गए लेकिन कोई भी हरी के बगल में नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वह हमेशा पिंच करता रहता था वेन दे अराइव एट द सी साइड आउट जम्ड ऑल द चिल्ड्रेन विथ अ शाउट ऑफ जॉय डाउन टू द सैंड दे रेस्ट हैंड इन हैंड बट नो बडी टुक हरीज हैंड Nobody went near him. जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे सभी खुशी से चिल्ला उठे वे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सैंड की ओर दौड़ पड़े लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा कोई उसके पास भी नहीं गया हरी वॉज एंग्री ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड sat down by himself he took out his lunch and looked at it it was a good lunch there were two hard boiled eggs six jam sandwiches three pieces of bread and butter a ginger cake and a bar of chocolate he would eat he would eat it all by himself वुडेंट ऑफर एनी थिंग टू एनी में था वह एक रॉकी पूल के पास सैंडी कोने में गया गया और और अकेला बैठ गया। उसने अपना लंच निकाला और उसको देखा यह एक अच्छा लंच था दो एग्स सिक्स जैम सैंडविचेस थ्री ब्रेड एंड बटर के पीसेस एक जिंजर केक और एक चॉकलेट वह अकेला ही सब खाएगा वह किसी को कुछ भी नहीं देगा वॉज बिगनिंग ऑन द एक्स ही हर्ड अ वॉइस नियर हिम गुड मॉर्निंग आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू हरी टर्न अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट वॉट एवर डू यू थिंक ही वॉज जैसे ही उसने अंडे खाना शुरू किया उसे अपने पास एक रफ आवाज सुनाई दी गुड मॉर्निंग तुम्हारे जैसे बॉय से मिलकर मैं बहुत खुश हूं हरी मुड़ा और डर से घूरने लगा क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या देखा हरी सो मॉन्स्टर ट्रैप वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hurry. Hurry put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that लिटिल बॉय हरी ने एक मॉन्स्टर क्रैप को देखा जो पुल के किनारे घूम रहा था उसकी आंखें के पर थी और वह बहुत अजीब दिख रहा था उसने अपना अगला पंजा हरी क्यों बढ़ाया हरी ने क्रैप के पंजे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसे आश्चर्य और गुस्सा आया जब क्रैब ने अपने पिंसेस ओपन कर दिए और उसके हाथ पर इतनी जोर से काटा कि वह छोटा बच्चा चीख पड़ा आह ही इज माई गुड कजिन सेट द क्रैप प्लेजेंटली एंड टू हरी हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिस्स हैंड इन हिस्सर लाइक एंड इट सो हार्ड दैट हरी येड इन पेन अरे यहां मेरा अच्छा कजन है क्रैब ने खुशी से कहा और हरी ने एक लार्ज लॉपस्टर को क्रॉल करते हुए पुल से बाहर आते देखा इससे पहले वह लिटिल बॉय उसे रोक सके उसने उसका हाथ अपने बड़े लाइक क्लॉस पंजे में ले लिया और इतनी जोर से पिंच किया कि हरी दर्द में चिल्ला उठा देन ही स्टेड एट इन सरप्राइज फॉर केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स मो क्रैप्स एंड एनअर लार्ज लॉब्सटर एंड दे प्रिक टिल ही वॉस सून ब्लैक एंड ब्लू विदिंग तब उसने हैरानी में पुल की तरफ देखा कि वहां से सेंड के कलर के श्रिम्स और प्रॉन्स और बहुत सारे क्रैप्स और एक और लार्ज लॉपस्टर बाहर आया और वे सब हरी को तब तक पिंच करते रहे जब तक वह नीले रंग का ना पड़ गया डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी एस बिकॉज यू वर अ चैंपियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ कम कम ज्वाइन द फन क्यों तुम्हें यह पसंद नहीं है सभी क्रिएटर्स आश्चर्य में बोले क्यों हमें बताया गया था कि तुम हमें देखना चाहोगे क्योंकि तुम खुद पिंच और प्रिक करने में चैंपियन हो आओ आओ खेल में शामिल हो जाओ Hurry leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hurry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. हरी जो जो से चिल्लाता हुआ कूद कर खड़ा हो गया उसका लंच पूल में रोल हो गया और जब क्रैप्स और लॉबस्टर्स ने उसे देखा तो वे उसकी तरफ दौड़े और खाना शुरू कर दिया हरी ने जब देखा कि वे उसे कुछ समय के लिए भूल गए हैं तो वह मुड़ा और जान बचाकर भागा उसके गालों पर आंसू की धाराएं बह रही थी दे ओनली डेड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू दी अदर चिल्ड्रेन ही थॉट बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैप्स एंड लॉबस्टर्स आई सपोज द अदर चिल्ड्रेन हेट मी टू वेल आई जॉली वेल शैंड पिंच और प्रिक एनी मोर उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं बाकी बच्चों के साथ करता रहता हूं उसने सोचा बट यह कितना हर्ट करता है और कैसे मैं उन क्रैप्स और लॉबस्टर्स से हेट करने लगा हूं मुझे लगता है कि बाकी बच्चे भी मुझसे इसी तरह हेट करते हैं अच्छा अब मैं किसी को पिंच या प्रिक नहीं करूंगा होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर नाउ गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ बेटर वे थैंक यू